आगामी 3 फरवरी को आकांक्षा रैली को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह ने भाग लिया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए सदानंद सिंह ने बताया कि वर्तमान सरकार जुमले वाली सरकार है और जिस तरह कांग्रेस के विभिन्न राज्यों के चुनाव में जीत हासिल की है, उसी तरह लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को पछाड़ कांग्रेस चुनाव जीतेगी। लेकिन जो भी जुटना चाहते हैं वैसे लोगों को दिया जाए, हर जगह हम लोग स्वयं गए हैं, बिहार शरीफ भी गए, कई जगहों में गए, कल ही परसों लखीसराय में भी, तो हम लोग कांग्रेस में जोड़ना चाहते हैं। हाँ, लेकिन कांग्रेस में जो लोग जुड़ रहे हैं कोई गारंटी नहीं है कि उनको उम्मीदवार हम बनाए और उम्मीदवार के शर्त पर हम कांग्रेस में नहीं जोड़ने की बात करते। हाँ, कांग्रेस में आस्था है, कांग्रेस के सिद्धांत और वचनों में आस्था है, तो कांग्रेस में जुड़े लोग यही ऐसे लोगों का हर पार्टी स्वागत करे। पूर्णिया के पत्रकार बंधु, इनके पक्ष में हम तो समाज के हर वर्गों जो गरीब है उसके साथ हैं और सवर्ण आरक्षण की बात तो कांग्रेस बराबर से करती है। फिर लोकसभा में इतना हंगामा क्यों हो रहा है? लोकसभा में हंगामा नहीं, कांग्रेस में तो समर्थन है, कांग्रेस में राज्यसभा में भी समर्थन किया है, लोकसभा में भी समर्थन। और विशेष कार्यक्रम में 21 फरवरी को आदरणीय राहुल जी एक सभा, आम सभा गांधी मैदान में लंबे अंतराल के बाद हो रही है, आज जिसके लिए हम लोग हर जगह जा जाकर कांग्रेस जनों को, वैसे कांग्रेस जन भी जो निराश होकर बैठे हुए हैं उन लोगों को भी जागरूक करते हुए राहुल जी की मीटिंग में लाने का प्रयास कर रहे हैं। उस सिलसिले में भी आज का ये पत्रकार सम्मेलन आवश्यक हो, इस आलोक में हम लोग हैं यहाँ। कांग्रेस आपने देखा होगा कि पिछले 6 महीने में राहुल जी के नेतृत्व में देश के पैमाने पर मजबूती की स्थिति में आ रही है, अब कांग्रेस मजबूत हो रही है। 5 राज्यों के चुनाव में आप सबों ने यह देखा कि 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस ने जो वादा किया चुनाव के पूर्व उसको 1 सप्ताह के अंदर 3 राज्यों में पूरा किया, जैसे किसानों के ऋण की माफी किया। और यदि आप बृहत रूप से यदि यह देखें कि देश की स्थिति जो वर्तमान आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, चुनाव के पूर्व जिस तरह से मोदी जी ने वादा किया था या अमित शाह जी ने वादा किया था जनता से कि हम काले धन को वापस करके लाएंगे और 15-15 लाख रुपए सबों के खाते में देंगे, वह बात तो जुमला हो गया। किसानों को प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवकों को रोजगार देने की बात की, पूरे 4-4.5 वर्ष में 2 करोड़ की संख्या नहीं पूरी हो पाई। नोटबंदी के चलते लोगों को काफी परेशानी हुई, बूढ़े बूढ़े लोग लगते थे लाइन में, पैसा नहीं मिलता था, किसी की मृत्यु हो गई हुआ आप लोगों ने स्वयं प्रकाशित किया था और आप लोगों को जानकारी है। उसी तरह जीएसटी जिस तरह से लागू किया गया, मनमोहन सिंह जी ने भी जीएसटी लागू करने की बात की थी, लेकिन याद होगा आप लोगों को कि उन दिनों विरोध भाजपा ही कर रही थी और वही जीएसटी को फिर भाजपा सरकार सत्ता में आने के बाद लाई।